नमस्कार, मैं नरेश रागानी, स्वागत करता हूँ आपका हॉराइजन नेट न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। गोकुलधाम आश्रम में आयोजित हुआ सर्वधर्म सम्मेलन, सभी धर्मों के 6 जोड़े बंधे विवाह बंधन में, जोड़ों ने फेरों के साथ लिए 7 वचन। गुरुवार को गोकुलधाम आश्रम में सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 6 जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। आश्रम के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी तरह की सुविधाएं की गई थी, मंडप से लेकर भोजन तक। जोड़ों ने 7 फेरों के साथ 7 वचन लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। गोकुलधाम आश्रम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हमारी इस न्यूज को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे गोकुलधाम आश्रम द्वारा द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके अंदर 6 जोड़ों का हमने विवाह सम्मेलन का आयोजन रखा है। इसमें हमारे 4 जो जोड़े हैं जो बाहर से आए, और 2 जोड़े हमारे अजमेर शहर के हैं, और इन सब के जोड़ों का हम सब ने मिलकर आयोजन किया है। और ये कार्यक्रम गोकुलधाम आश्रम हर साल नियमित रूप से करता है। आप सबसे सर्वधर्म सम्मेलन है, सर्व समाज का सम्मेलन है, इसमें सभी समाज के जोड़े शामिल हुए हैं, और हर बार हर साल इस तरह का आयोजन गोकुलधाम कराता रहता है। आप सभी से निवेदन कि आप सब हमारा उत्साह वर्धन करें और इन जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि और भी जागरूकता आए कि हम जोड़ने घर चले करके हम प्रयास करें कि हमारे बच्चों का सम्मेलन करते हैं, ताकि नई नया संदेश आपका परिचय। गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे अजमेर सांसद रघु शर्मा। फीस कम करने की मांग को लेकर 6 दिन से प्रदर्शन कर रही छात्राओं से मिले रघु शर्मा, वसुंधरा सरकार को कोसा। पिछले 6 दिन से गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा कॉलेज पर फीस कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्हीं से आज अजमेर सांसद रघु शर्मा समस्या सुनने के लिए छात्राओं के बीच पहुंचे। छात्रों से बात कर उनकी समस्या समझी हुई लोकसभा में इस मुद्दे पर बात करने के लिए आश्वस्त किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद एक महिला है और उसके बाद भी छात्राओं के साथ ऐसा कर रही है। जी सर, पिछले 6 दिन से गवर्नमेंट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्चियां भूख हड़ताल पर बैठी थी, आंदोलन पर उनको बैठना पड़ा। सरकार संवेदनहीन हो गई है, इनका जो फीस स्ट्रक्चर है उसकी इनको शिकायत है कि कोई माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ाएगा कैसे। ये राजस्थान सरकार है या ये व्यापारिक केंद्र खोल रखा है? बच्चियों की फीस का स्ट्रक्चर सरकारी कॉलेजों में अगर बढ़ा के रखोगे तो यहाँ कौन माँ बाप पढ़ा पाएगा यहाँ पर? तो इनकी मांग को सुनने के लिए 6 दिन से कोई नहीं आया। मुझे कल सूचना मिली तो मैंने इनको कहा था मैं आऊँगा कल आपके यहाँ, आज मैं आया हूँ। इनकी मांग के बारे में पूरा पता किया है, हमारे विधायकों से, विधायक दल के नेता से शाम को मैं बात करूँगा और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। बच्चियों का भविष्य, परीक्षा का टाइम है और उनको मजबूर होके भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री है, मैं उनसे और जो मंत्री हैं इस विभाग की वो भी एक महिला है, दोनों महिलाएं होते हुए हमारी बच्चियों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और मेरी तो आपके माध्यम से भी उन लोगों से अपील है कि इनकी समस्या का निदान करें, बैठ के बात करें और इस समस्या का समाधान करें, हम भी कोशिश करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कब बुलबुल उत्सव संपन्न, केंद्रीय विद्यालय 1 में हुए कार्यक्रम, बड़ी संख्या में बच्चे हुए शामिल। केंद्रीय विद्यालय संगठन राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की इकाई कब बुलबुल का चिंतन एवं विश्व बुद्धि दिवस समारोह लॉयंस क्लब की प्रार्थना अध्यक्ष लॉयन आभा गांधी के मुख्य अतिथि के केंद्र विद्यालय क्रमांक 1 में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत झंडारोहण के साथ स्काउट गाइड के संस्थापक लॉर्ड बैडन पावेल की तस्वीर पर मुख्य अतिथि लॉयन आभा गांधी एवं विद्यालय प्राचार्य सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम संयोजक फ्लॉक लीडर सीमा पाठक ने बताया कि इस अवसर पर बुलबुल नृत्य, लघु नाटिका, बल से बुद्धि बलवान, विचित्र वेशभूषा, हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता, अंग्रेजी कविता पाठ प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, कहानी समूह गेन आयोजित किए गए, जिसमें कब बुलबुल बच्चों ने प्रस्तुति दी। आज सबको मालूम है कि 22 फरवरी है, इस पर लॉर्ड पावेल का जन्मदिन मनाया जाता है। इसमें विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। इनके अंतर्गत सबसे पहले आज विद्यालय में झंडा रोहण किया गया, उसके बाद स्काउट गाइड के बच्चों ने
ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग और डिफरेंट प्रकार की क्विज, ड्राइंग प्रतियोगिता, हर एक्टिविटी में बच्चे भाग लेंगे और एक स्वच्छ भारत का संदेश भी पूरे स्कूल को बच्चों ने दिया है और साफ़ सफाई का संदेश मोदी जी का जो मुख्य नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा पूरी कॉलोनी में, आसपास की कॉलोनी में बच्चों ने खूब उत्साह के साथ इसको मनाया है। और नामा, मेरा नाम एस सी अग्रवाल, प्राचार्य केवी नंबर वन अजमेर। धन्यवाद। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र उतरे सड़कों पर, कॉलेज को सरकारी करने व फीस कम करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दिया साथ। गुरुवार को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि हमारे कॉलेज को सरकारी किया जाए, साथ ही कॉलेज की फीस भी कम की जाए। छात्रों ने यह भी कहा कि इतनी फीस लेने के बाद भी हमारे कॉलेज में कोई सुविधा नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड व रहने के लिए हॉस्टल भी नहीं है। प्रदर्शन में छात्रों का एबीवीपी ने साथ दिया। हमारी मेन मांग कॉलेज को सरकारी करना है, दूसरी मांग ये है कि कॉलेज की फीस जल्दी से जल्दी कम हो, सरकार इस पर ध्यान दे। ज़्यादातर हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बहुत सौ की साल की इनकम ही 1 लाख रुपये, हमारे 4 साल में हम लोग 8 लाख रुपये खर्च करते हैं, उसके बाद भी कॉलेज में प्लेसमेंट 0 है, खेलने के नाम पर कुछ नहीं है और ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी कुछ नहीं मिलता हमें। हर चीज़ में ये कहा जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है, 70,000 रुपये देने के बाद भी फंड नहीं होने की बात समझ में नहीं आती हमें। यदि फंड नहीं है तो इससे ज़्यादा फीस हम और नहीं दे सकते, हमारी फीस कम करें और सरकारी कॉलेज पूर्ण करें। हमारे कॉलेज में खेल ग्राउंड भी नहीं है, खेल के नाम पे साल में मुश्किल से 1 या 2 वॉलीबॉल दी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता हमें। बाहर जाने के लिए भी पिछले साल हम बाहर खेलने गए थे, खुद के खर्चे पे खेलने गए थे। और रही बात, जैसे हमारा राजस्थान में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं इनकी फ़ीस 70,000 रुपये है, अभी हम लोग कल स्टडी कर रहे थे तो पता लगा गुजरात के जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस 5,000 रुपये है। हमारे कॉलेज में ना तो हॉस्टल है ना कोई मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें सब कुछ अपने आप करना पड़ता है, सारा खर्चा खुद। आज एबीवीपी अजमेर महानगर द्वारा जो अभी अजमेर शहर में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है छात्रों का, इस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज है अजमेर में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन कॉलेज के विद्यार्थियों को उनकी जो सालाना फीस है उस फीस के मामले में काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है और अपने कैंपस में अपने प्राचार्य के खिलाफ उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके विरोध में वहाँ के महाविद्यालय के छात्रों से बातचीत करके आज एबीवीपी अजमेर महानगर द्वारा अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में उन छात्रों के साथ में एक साथ एकत्रित होकर के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में मैडम को बताया गया है यदि इन छात्रों की फीस कम नहीं हुई और इन छात्रों की मांगें पूरी नहीं हुई तो 3 दिन बाद एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगी और कॉलेज प्रशासन वो हड़ताल पर बैठेगी। कॉलेज मेहुल गर्ग, महानगर मंत्री एबीवीपी। रघु शर्मा ने वार्डो में की धन्यवाद जनसभा, समर्थकों ने माला पहनाकर किया स्वागत, वसंत सरकार पर साधा निशाना। अजमेर सांसद रघु शर्मा अपनी जीत का धन्यवाद देने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। गुरुवार को रघु शर्मा ने वार्डो में धन्यवाद जनसभा रखी जिसमें समर्थकों ने शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया। रघु शर्मा ने अपनी जीत पर जनता का व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। रघु शर्मा ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वसंत सरकार पर कई निशाने साधे। शर्मा ने कहा कि 4 साल पहले जो मुख्यमंत्री ने वादे किए थे लिखित में वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं। भाजपा सरकार ने जनता के साथ वादाखिलाफी की है जिसका भुगतान उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव पर रघु शर्मा ने अपनी पार्टी की जीत निश्चित बताई। हमारी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वसुंधरा जी, इन्होंने 2013 के चुनाव से पहले राजस्थान में सुराज संकल्प यात्रा निकाली थी और उसमें 611 राइटिंग में वादे किए थे इन्होंने राजस्थान की जनता से कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो ये 611 बिंदुओं पर हमारी सरकार काम करेगी। आज इस सरकार को 4 साल और 3 महीने हो गए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है इतनी बड़ी वायदा खिलाफी कि आज सिर्फ 70-80 वायदों की बात मैं नहीं करता, उसके अलावा सारे के सारे जो वायदे किए थे उन पे इस सरकार ने लेश मात्र भी काम नहीं किया है और राजस्थान की जनता को विश्वास में लेके वोट हासिल करके धोखा दिया है। यही कारण है कि लगातार अभी प्रदेश में 22 जगह विधानसभा के चुनाव हुए इस सरकार के बनने के बाद, 22 में से 20 पे कांग्रेस पार्टी जीती है, सत्ताधारी दल बीजेपी पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद भी
20 जगह पर पराजित हुआ है और दो जगह मात्र जीत पाया है। ये जनता के मूड को समझना चाहते ही नहीं है। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके लिए अभी भी यहाँ के लोग चक्कर लगाते हैं बाहर, जैसे पासपोर्ट कार्यालय है। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 27 तारीख से अजमेर में पासपोर्ट सेवाएं पासपोर्ट कार्यालय के रूप में हमारे लोगों को मिलने लगेगी और मैं सांसद होने के नाते इस कार्यालय का 27 तारीख को उद्घाटन करूंगा। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बच्चियां भूख हड़ताल पे बैठी, उनकी मांग पूरी नहीं हुई, मांग का भर्ती घोटाला पूरे 4 साल में गवर्नमेंट ने केवल जांच का नाम लेके हवाला देते हुए डाल दिया। मैंने सुना है कि नॉर्दर्न इंडिया का एकमात्र लड़कियों का इंजीनियरिंग कॉलेज है सरकारी, अगर वो दुर्दशा का शिकार है, अगर वहाँ फीस की मारामारी है तो सरकार कोई प्रॉफिट के लिए काम थोड़ी करती है। वहाँ हर आदमी की बच्चियाँ पढ़ती है और जिस तरह का फीस का स्ट्रक्चर वहाँ रखा हुआ है प्राइवेट कॉलेज से भी ज़्यादा, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए, एक महिला उसी डिपार्टमेंट की मंत्री के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बच्चियों को भूख हड़ताल में बैठना पड़े, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। जब मुझे पता चला कि बच्चियां भूख हड़ताल पर बैठी है तो मैं आज सबसे पहले वहीं गया, उन बच्चियों के पास गया, उनकी समस्याओं को की जानकारी मैंने ली और मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर जरा सी भी संवेदनशीलता इस सरकार के अंदर है तो ये बच्चियां जो हम सब की बच्चियां हैं उनकी समस्याओं पर गौर फरमाएं। उनकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, आज वो हड़ताल पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं, उनका भविष्य चौपट हो जाएगा कल, क्योंकि परीक्षा की तैयारी कब करेंगी वो? कभी मंत्री जयपुर बुला रही है, कभी उनके अधिकारी यहाँ के गुमराह कर रहे हैं। सीधी सीधी बात कि सरकार का रवैया क्या होना चाहिए, उनकी समस्याएं जो सामने आई है उनके निराकरण में सरकार क्या कदम उठा रही है, ये तो फैसला सरकार को लेना है। बच्चियों को इधर उधर बुलाने से क्या हो मतलब है? आनासागर लिंक रोड पर कार और वैन के बीच हुई टक्कर, वैन चालक को ले जाया गया जेएलएन अस्पताल, रॉन्ग साइड से आ रही वैन में भिड़ी कार। सुबह 9 बजे लिंक रोड पर एक कार और वैन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई जिसमें वैन चालक को चोटें आई है और वहां जमा हुए लोगों द्वारा वैन चालक को जेएलएन अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे छुट्टी दे दी गई। सूचना मिलने पर किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटना में दोनों ही गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। एक वैन है जो वैशाली की तरफ से आ रही थी और दूसरी योजना है जो गंगानगर की तरफ से आ रही थी, जो रोंग का थी, दोनों आमने सामने टक्कर होने से वैन के ड्राइवर को चोट आई है, उसको अस्पताल ले गया। आपका नाम? कुमार रमेश है, कुछ नहीं था। MDS यूनिवर्सिटी में शुरू हुई टोल फ्री नंबर की सेवा, विद्यार्थी किसी भी वक्त फोन कर दूर कर सकते हैं अपनी समस्या, 30 लाइनों से रहेगा जुड़ाव। गुरुवार को MDS यूनिवर्सिटी में टोल फ्री नंबर की सेवा उपलब्ध कराई गई जिसका नंबर है 1800180 6402। इस नंबर पर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी किसी भी समय अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। विद्यार्थी नंबर पर मार्कशीट, एनरोलमेंट नंबर, डिग्री इन सबकी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, आज यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले एक हेल्पलाइन शुरू की है, ये राजस्थान में किसी विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा एक अभिनव प्रयोग है और सुदूर क्षेत्र में रहने वाले आम विद्यार्थियों के लिए और इस विश्वविद्यालय के जो संबंधित खास जो जिले हैं 4 जिले उससे संबंधित लड़कों के लिए एक ये सेवा निर्धारित की गई है जो 30 लाइनों में होगी, जो कभी अंगेज नहीं होगी। इसमें 11 नंबर डिजिट से टोल फ्री नंबर होगा जिसका नंबर 1800180 6402 होगा। इसमें कभी भी विद्यार्थी किसी समय यदि कॉल करेंगे तो संबंधित समस्या के लिए उसको कर्मचारी उससे समाधान के लिए इस लाइन पर उसका उत्तर मिलेगा। तो बाहर से जो राजस्थान और इस विश्वविद्यालय से कभी भी किसी भी समय संबंध रहा है, जब से विश्वविद्यालय बनाया 30 साल हो गए विश्वविद्यालय को बने, तो वो विद्यार्थी कभी भी अपने मार्कशीट, डिग्री, एनरोलमेंट नंबर, माइग्रेशन और दूसरी PhD या उन सारी जानकारियों को देखेगा और उससे द्वारा ये कर सकता है। तो ये एक आज राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा प्रयोग विश्वविद्यालय में।
खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें फॉरएवरन्यूज.com सच के साथ।